नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। स्वागत है आपका लर्निंग फैक्ट पर। व्हाट इज लव 1997, बोवा 2001, विंटर सनाटा 2003, डे जेन जेन 2005, ये कुछ शुरुआती के ड्रामास थे जो पूरी दुनिया में काफी फेमस हुए। दोस्तों, टीवी शो हमारे जीवन का एक बड़ा अटूट हिस्सा बन चुके हैं। हम यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हमारे फेवरेट शो के अगले एपिसोड में क्या होगा। इन्हें देखते हुए हम कभी कभी यह भी भूल जाते हैं कि शो में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर हमारे खुद के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है। पिछले एक दशक से कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्म और कोरियन पॉप म्यूज़िक की लोकप्रियता के कारण साउथ कोरिया की स्थिति पूरे विश्व में एक कंटेंट पावर हाउस के रूप में डेवलप हुई है। के शोज़ की ग्लोबलाइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल पैरासाइट मूवी का बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कर अवार्ड जीतना है। इनफैक्ट ये फॉरेन लैंग्वेज में जीतने वाली पहली ऑस्कर मूवी बन चुकी है। इसके अलावा 2021 में स्क्विड गेम सीरीज़ ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है और यह नेटफ्लिक्स पर अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो भी बन चुका है। नेटफ्लिक्स सीरीज़ ने 6 एमी अवार्ड, 3 बाफ्टा अवार्ड और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अपने नाम किया है। इसके अलावा के पॉप म्यूज़िक बैंड जैसे BTS, ब्लैकपिंक, स्वीट 17 आदि के गानों पर भी दुनिया थिरकती जा रही है। और मैं अश्योर कर सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने अपना पसंदीदा कोरियन ड्रामा एक रात में ज़रूर देखकर पूरा निपटाया होगा। तो ऐसा क्या है इन कोरियन ड्रामा में जो इसे हमें बार बार देखने की लत लगा देता है, आइए जानते हैं। लेकिन इसके पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमें इसकी ज़रूरत है। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ही हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। कोरियन ड्रामा साल 2020 की शुरुआत से ही नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 सूची में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। कोरियन ड्रामा ने पिछले 5 वर्षों से भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। इनमें रोमांस से लेकर पीरियड ड्रामा स्टोरी तक हर उम्र के भारतीय कोरियन ड्रामा में डूबे हुए हैं। खासकर ये बड़ा है कोविड पेंडेमिक के दौरान। नेटफ्लिक्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद से कोरियन ड्रामा देखने वाले इंडियंस की संख्या में 370% की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि भारत भी हॉलीवुड वेव को गले लगाता जा रहा है। हॉलीवुड एक चाइनीज शब्द है जिसका अर्थ है कोरियन लहर। इस वर्ड को एक कलेक्टिव टर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका उद्देश्य कोरियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड फैलाना है। साउथ कोरिया इस हॉलीवुड इफेक्ट को पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर के रूप में फैलाना चाहता है, जिसके अंतर्गत कोरियन कल्चर, कोरियन फैशन, कोरियन फूड, कोरियन स्टाइल, कोरियन ट्रेंड्स, कोरियन मूवीज़, कोरियन ड्रामा इत्यादि शामिल है। ऐसा माना जाता है कि हॉलीवुड वेव ने भारत पर 3 बार अटैक किया। सबसे पहली बार 1970 में जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट मणिपुर में, जहां पर रिवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट ग्रुप ने कब्जा कर लिया और वहां पर प्रसारित किए जाने वाले सभी हिंदी चैनल और सिनेमा पर बैन लगा दिया। इस गैप को भरा कोरियन ड्रामा और कोरियन मूवी ने। इसके बाद दूसरी बार साल 2012 में हॉलीवुड वेव ने एंट्री ली जब गंगम स्टाइल भारत में फेमस हुआ। फिर 2016 में के पॉप बॉय ग्रुप BTS ने ब्लड, स्वेट और टीयर्स जैसे गानों को रिलीज़ किया, जिसके भारत के लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप TV चैनल जिंदगी में डिसेंडेंट ऑफ द सन, बॉयज ओवर द फ्लावर का प्रसारण किया गया, जिसका हिंदी वर्जन बाद में कैसे ये यारिया भी बनाया गया। तीसरी बार 2020 में कोविड पेंडेमिक के दौरान। इस बार तो कोरियन ड्रामा की अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म में जैसे बाढ़ ही आ गई। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड पेंडेमिक के समय कोरियन ड्रामा देखने वाले भारतीयों की संख्या में 40% तक की वृद्धि हो गई थी। नेटफ्लिक्स इंडिया के अनुसार द किंग इटर्नल मोनार्क किंगडम सीजन 2 इट्स ओके टू नॉट बी ओके स्टार्टअप 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कोरियन ड्रामास थे। इंडियन ऑडियंस ने ट्रू ब्यूटी, गॉब्लिन, क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे शो को भी एंजॉय किया। के ड्रामा के पहले टीवी पर एकता कपूर के कई सीरियल जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, कहीं किसी रोज आदि सीरियल चला करते थे। ये सीरियल जबरदस्त हिट होने के बावजूद भी समय के अनुसार वह छाप नहीं छोड़ पाए जो छाप छोड़ी है कोरियन ड्रामास ने। इस वजह से यह केवल फीमेल के पसंदीदा शो बनकर ही रह गए। समय के अनुसार इनकी स्टोरीज में वह अपडेशन नहीं किया गया। के ड्रामास के एडिक्टिव होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे मेन कारण है इसका प्लॉट।
के ड्रामास में दिखाए जाने वाले स्टोरी का प्लॉट काफ़ी यूनिक और न्यू होता है। इसमें दिखाए जाने वाले स्टोरी काफ़ी क्यूट और ड्रामेटिक होती है, जिससे युवा पीढ़ी खुद को रिलेट करके देख पाती है। दूसरा है एक्टर्स। के ड्रामास में दिखाए जाने वाले एक्टर्स को रोल मॉडल की तरह दिखाया जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, फैशनेबल हेयर स्टाइल, फैशनेबल कपड़े, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहने वाले यंगस्टर जो स्लिम ट्रिम बॉडी और गुड लुकिंग लड़के लड़कियाँ होते हैं। तीसरा है इसका लिमिटेड एपिसोड। के ड्रामास के काफ़ी कम एपिसोड होते हैं। यह शो मुश्किल से 15-16 एपिसोड के होते हैं, जिनमें स्टोरी को ज़बरदस्ती ज़्यादा खींचा नहीं जाता, जिससे देखने वाली ऑडियंस को भी बोरियत नहीं होती और कम एपिसोड में ज़्यादा स्क्रीन प्ले और टू द शॉर्ट पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। चौथा है फीमेल राइटर्स। के ड्रामास में 90% फीमेल राइटर्स होती है, जिसमें शो में वल्गैरिटी और फूहड़पन वैसे ही कम हो जाता है, जिससे दिखाई जाने वाली स्टोरी ज़्यादा इमोशनल और क्यूट लगती है। साथ ही इन ड्रामास में फीमेल कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है, जो एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी महिला होती है, जिससे दुनिया भर की फीमेल ऑडियंस इन्हें देखकर इंस्पायर होती है। पांचवा है सेम कल्चर। साउथ कोरिया और इंडिया के कल्चर में काफ़ी समानता है, जैसे फूड, फेस्टिवल, फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली वैल्यूज़, रिच और पुअर क्लास के बीच डिफरेंस, जिससे इंडियन ऑडियंस भी खुद को रिलेट करके देख पाती है और शो में दिखाई जाने वाली स्टोरी उन्हें अपने आसपास की ही लगती है। छठा है बजट। के ड्रामास को काफ़ी बड़े स्केल पर बनाया जाता है, इनके प्रोडक्शन में काफ़ी धन खर्च किया जाता है। ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि के ड्रामास के एक एक एपिसोड को फिल्माने में बिलियन डॉलर्स का खर्च किया जाता है। सातवां है दर्शकों की राय। इन ड्रामास की पीआर टीम्स ऑडियंस के हर एक रिएक्शन पर नज़र रखती है, उनसे इंटरेक्शन करती है, उनसे सवाल जवाब करती है कि आपको यह शो कैसा लग रहा है, हम इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन कोरियन ड्रामा में कोरिया के कई टूरिज्म स्पॉट को भी दिखाया जाता है, जिससे विदेशी इन ड्रामास में दिखाए कई जगहों पर घूमने आते हैं। उदाहरण के लिए गॉब्लिन सीरियल में यंगचिन बीच और विंटर सोनाटा में कई फेमस बीचेस को दिखाया गया, जिससे टूरिज्म सेक्टर में इजाफा हो। केवल टूरिज्म ही नहीं, कई फूड और बेवरेजेस ब्रांड और ब्यूटी प्रोडक्ट को भी इन ड्रामास के माध्यम से प्रमोट किया जाता है, जैसे एक्टर ली मिन हू को मैंगो 6 के साथ दिखाया गया था। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हालियो वेब को फैलाने के लिए कई पॉलिसीज लाती रहती है। इन सभी को रेगुलेट करने के लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट की 3 एजेंसीज काम करती है। पहली है कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी। इसका काम देश और विदेश में कोरियन कंटेंट को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। यह एक इनक्यूबेटर के रूप में म्यूजिक, फैशन, कॉन्सर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, गेम्स, एनिमेशन को देखती है। यह एजेंसी लाइसेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मुद्दों की देखरेख करती है। दूसरी है कोरिया फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज। इसका काम कल्चरल एक्सचेंज और एजुकेशन प्रोग्राम को चलाना है। इसका सीधा मिशन हॉलियो वेव को स्प्रेड करना है। इसके तहत कोरियन स्टडीज़ और लैंग्वेज डायस्पोरा का भी प्रमोट किया जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल इंडिया के कई मेजर सिटीज़ में कोरिया के फ्री इंस्टीट्यूट है, जहां पर फ्री में कोरियन भाषा सिखाई जाती है। तीसरा है KTO यानी कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था कोरियन टूरिज्म के पहलुओं को देखती है, जिसका सीधा प्रभाव कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ता है। यह एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है जो टूरिज्म से आने वाले होने पर लाभों पर पड़ता है। यह ऑर्गेनाइजेशन सबसे वाइडेस्ट स्केल पर काम करती है, जिसका काम है हॉलियो वेव के माध्यम से कोरिया की सुंदर जगहों पर पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करना। साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर साल साउथ कोरिया की GDP में कई अरबों डॉलर का योगदान देती है। 2019 में हॉलियो वेव ने 12.3 बिलियन $ का कोरियन GDP में योगदान दिया था। अकेले के पॉप म्यूजिक बैंड BTS ने $2 बिलियन का योगदान दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। ऐसे ही कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ बड़े पहलू भी हैं। पहला है कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड। पेल स्किन, वी शेप्ड फेस, डबल आईलेट, स्लिम फिगर, स्मॉल नोस, ये कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड है। कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कराने का प्रचलन है। पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके बर्थडे गिफ्ट पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का गिफ्ट देते हैं। यह प्रचलन यंगस्टर को नेगेटिवली इंस्पायर करता है। साथ ही BTS और ब्लैकपिंक के कुछ कॉन्सर्ट में सिंगर को वल्गर डांस मूव करते हुए देखा गया है, जो देखने में काफ़ी अनकंफर्टेबल और चीप लगते हैं, क्योंकि उनके कुछ फैन सर्कल में बच्चे भी शामिल होते हैं जो उन्हें गलत ढंग से प्रभाव छोड़ सकते हैं। वहीं कोरियन फूड का प्रचलन भी पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कोरियन फूड में काफ़ी स्पाइसेस और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि इनका सेवन करने से काफ़ी लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो देखा ना दोस्तों आपने कि साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अन्य माध्यमों के सिवाय अपने कल्चर का सहारा लिया। इससे उनको दो फायदे हुए, पहला तो उनकी GDP में ग्रोथ हुई, उनका देश डेवलप होते जा रहा है, और दूसरा उनके देश का कल्चर भी पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है जिसे लोग धीरे धीरे करते अपनाते भी जा रहे हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।